हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, जिसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, देन बेसिक ऑर्डर्स ऑफ अमाइंस, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री क्या है? फर्स्ट डिग्री मतलब आर अटैच NH2। अब सेकेंड डिग्री क्या होता है? सेकेंड डिग्री मतलब आर एन एच, एंड थर्ड डिग्री आर एन। अब इन सबके ऊपर लोन पेयर, लोन पेयर जितने भी ये तीनों हैं, इन सब तीनों के एन के ऊपर लोन पेयर है। इसका मतलब ये लोन पेयर है तो ये दूसरों पर अटैक कर सकता है, ये एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो एन जो है, जो ये एन है, ये एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अपन बोल सकते हैं अमाइन बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसकी वजह से किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, वैसे भी बेसिक है, दूसरों पर अटैक कर रहे हैं तो ठीक है। अब पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स क्या है? तो पता है अपन को कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो सबसे पहले रिएक्ट करते हैं अपन ये बेस NH2, और लोन पे लगाना है, लोन पे लगा दिया, प्लस HX। HX मतलब ये है अपना एसिडी है, या Cl लगा दो, Br लगा दो, हेलोजन के लिए X। जब हम इसको रिएक्ट करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन से, जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो जो ये H है ये लोन पे इधर चले जाएंगे, और जो H है ये बच जाएगा अपना RNH3, क्योंकि इसने लोन पे दिए हैं तो इधर प्लस और इसने लिए हैं तो माइनस। ये अपना बनेगा सॉल्ट। सेम अपन इसे एरिल हैलाइड के लिए भी कर सकते हैं। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्या है ये? एरिल हैलाइड के लिए भी सेम यही हो सकता है। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्या है ये? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है। एरिल हैलाइड नहीं, एरिल एमाइन, एरिल एमाइन, सॉरी, एरिल एमाइन, ये एरिल एमाइन होता है, एरिल एमाइन। इसको अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसका एनिलीन बोलते हैं अपन। आगे एनिलीन का भी है कि एनिलीन का स्ट्रक्चर ही बेसिक होता है, क्या होता है ये आगे एनिलीन का भी दे रखा है। प्लस HCl जो कि अपना एसिड है, उसको रिएक्ट करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अपना बनेगा एनिलियम, एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा अपना। इधर आ जाएगा ऊपर NH4 NH3 पॉजिटिव और Cl माइनस, इसको बोलेंगे अपन एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड है ये, एनिलीनियम क्लोराइड बना अपना। अब ये अपने को पता चल गया कि दोनों के दोनों सॉल्ट बनाते हैं। तो ये तो बेसिक है क्योंकि ये अटैक कर रहा है सामने वाले पर, ये अपने लोन पेयर दे रहा है, तो लोन पेयर देना मतलब बेसिक कैरेक्टर होता है, और लेना मतलब एसिडिक कैरेक्टर होता है। ये हो गया। अब अमोनियम सॉल्ट को ट्रीट करते हैं जब NaOH से, तब अपने को रीजनरेट होता है पेरेंट अमाइन, जो पहले वाला जो अमाइन था, जैसे जैसे इसको रिएक्ट करके बने HX के बना के ये बनाया। अब जब इसी को अपन रिएक्ट करेंगे OH माइनस से, इसको 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 जब अपन रिएक्ट करेंगे आर NH3 पॉजिटिव X माइनस को जब हम रिएक्ट करेंगे OH माइनस से, तो अपन को सेम वही मिलेगा। क्या अपन को मिलेगा? ये अपना जो H, एक H इधर चले जाएगा, H2 हो जाएगा अपना, X माइनस अलग रह जाएगा, और ये जो NH2 हो जाएगा, लोन पेयर इसके ऊपर है ही सही, NH2 ये प्लस H2O प्लस X माइनस, ये हो गया। अब इस रिएक्शन को देख के ये पता चल रहा है कि अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में तो सॉल्युबल है, बट इन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, ईथर में ये डिसॉल्युबल नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्युबल इन वाटर, ये हो गया। अब द रिएक्शन ऑफ अमाइन विद मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट शोज दैट दे आर बेसिक इन कैरेक्टर, ये अमोनियम सॉल्ट बनाती है बता बेसिक इन कैरेक्टर। अब इन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अपन इनको तीनों को, इन सबको बोल सकते हैं अपन लुईस बेस, क्योंकि अपन को पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होना लुईस बेस कहलाता है, तो ये लुईस बेस हो गया। अब अपन को पढ़ना है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इन द टर्म्स ऑफ KV। अपन को पता है कि जब भी अपन बेसिक कैरेक्टर देखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ किस में देखते हैं? इन टर्म्स ऑफ KV देखते हैं। बेसिक कैरेक्टर
इन टर्म्स ऑफ के बी, है ना, इन टर्म्स ऑफ के बी में देखते हैं के बी, और पी के बी एसिडिक देखते हैं जब उनको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी होती है, तो पी के बी को देखते हैं। अब अपन को देखनी पी के बी, तो अपन इसको रिएक्ट करवाएंगे आर एन एच टू प्लस एच टू ओ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, आर एन एच थ्री पॉजिटिव प्लस ओ एच माइनस। अब थोड़ा इक्विलिब्रियम पे जाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, उस इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम थोड़ा दिमाग में ला के देखना पड़ेगा कि कैसे अपन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बनाते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो के इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो अपन ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखते हैं ऊपर, आर एन एच थ्री पॉजिटिव ओ एच माइनस, ये हो गया आर एन एच थ्री पॉजिटिव ओ एच माइनस, ये हो गया। अब नीचे लिखते हैं अपन आर एन एच टू, अगर एच टू न भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि एच टू की मात्रा तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एन सी आर टी में जिस तरह से दे रखा है उसको उधर ले जाएगा, के के ऊपर लेगा, के के साथ इनटू में लेगा और फिर एच टू डिसअपियर हो गया। इसका मतलब एच टू की जो क्वांटिटी है वो अपनी कॉन्स्टेंट, इसलिए इसको न भी लिखे तो भी चलता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे के बी इज इक्वल्स टू आर एन एच थ्री पॉजिटिव और ओ एच माइनस, और इधर से आर एन एच टू। अब पी के बी ले लें, पी के बी लेना है लॉग के बी। अब पी के बी क्यों लेते हैं अपन, क्योंकि अपन को रीजनेबल वैल्यू चाहिए, रीजनेबल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए अपन को पी के बी लगाना ही पड़ेगा, तो पी के बी लेते हैं। अब इधर से एक कंक्लूजन एक मिलता है कि जब भी के बी बढ़ता है तो पी के बी घटता है और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये जब भी ऐसा है कि पी के बी की वैल्यू किसी भी चीज़ की कम दे रखी हो, किसी भी कंपाउंड की कम दे रखी, तो इसका मतलब ये है कि उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, उसका के बी ज़्यादा है, या फिर अगर ऐसा दे रखा हो के बी ज़्यादा रेखा है तो उसका पी के बी ज़्यादा दे रखा और के बी कम दे रखा, तो इसका मतलब ये है कि अपना बेसिक स्ट्रेंथ कम है और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। समझ में आया, ये हो गया अपना ये। अब अपन डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में कि कैसे अपन अमोनिया जो है वो अल्फेटिक अमाइन है उससे कम बेसिक होता है, मतलब अल्फेटिक अमाइन ज़्यादा बेसिक होता है और वो कम बेसिक होता है। तब तक के लिए थैंक यू। एंड फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।